हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पाली रायपुर पुलिस ने 3 तस्करों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर बड़ी कार्रवाई की। तीनों ने पहले नाकाबंदी तोड़ते और पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर धर दबोचा। फिलहाल पुलिस सर्च ऑपरेशन कर रही है। रायपुर पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। आरोपियों से 3 देसी कट्टे भी बरामद किए। पुलिस को तस्करी की गाड़ी आने की सूचना पर निमास के पास नाकाबंदी कराई गई, लेकिन जोधपुर की ओर से आ रही पिकअप गाड़ी ने नाकाबंदी तोड़ते हुए गाड़ी भगा दी। पुलिस पर आगे बैठे युवक ने फायरिंग भी की। तेज गति से भागते गाड़ी को बर रेलवे स्टेशन की ओर ले गए, जो आगे रास्ता बंद था। आरोपी को पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ लिया। जिस रास्ते से भागे उधर खेत पर किसान काम कर रहे थे। लोगों ने उन्हें सूचित किया कि गुंडे आ रहे हैं, फायरिंग करते ध्यान रखना। पुलिस के पहुंचते ही एक आरोपी ने 2 देसी कट्टे अपने खोपड़ी पर तान दिए और पुलिस को बोला कि नज़दीक आने पर अपने आप को उड़ाने की धमकी दी। पुलिस ने उसे बातों में उलझाते हुए पकड़ लिया। फिलहाल आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है और झाड़ियों में फेंके हथियारों और मादक पदार्थ की तलाशी जारी है। झाड़ियों से एक पिस्तौल भी मिली। क्या हुआ था? मेरा सर, मैंने 2 लड़के आ रहे थे। हाँ। उसके बाद में क्या हुआ सर, सामने से आ रहे थे। जब मैंने यहाँ से खो रहा था कि 2 गुंडे आ रहे हैं। हाँ। तो मैंने सामने क्या लकड़ी देखे, तो फिर बाद में उसके बाद में हमें फायरिंग करने की, एक को हाथ लाया तो दूसरा फायरिंग की, दोनों साथ में फायरिंग थी। 2 गोली गोली आपके लगी तो नहीं? नहीं लगी। नजदीक होके बोले बोले बेटा पास में होके गोली की। कितने आदमी थे? 2 आदमी थे। एक सफेद बंदी थी, लंबा था, 6 फुट। उसके बाद तुम्हारा क्या नाम है? बहादुर सिंह। बहादुर सिंह कहाँ के हो? रेलवे स्टेशन जला की चौकी पंचायत रायपुर। उनके पास में कैसी गाड़ी थी? उनके पास में गाड़ी नहीं थी, पहाड़ी इलाके से। पहाड़ी इलाके थे? हाँ सर। तो बंदूकें थी उनके पास में? क्या छोटी वाली रिवॉल्वर थी? कितनी थी? 2 थी। वो कितने आदमी थे? 2 आदमी थे, एक एक रिवॉल्वर दोनों के पास में। साथ में उसके पास में एक थैली थी, उसमें बोल रहे मैं तो टापरा को पाल रहे थे, डोडे के धंधे कर रहे थे। हर जगह लड़का जान से जाएगा। कितनी बड़ी थैली थी? करीबन 2 किलो। वो छोड़ के भागे वहाँ पे? नहीं भागे, फिर मेरा एक को पकड़ था, फायरिंग करने के बाद में दोनों को छोड़ा दिया। फिर थैली कहाँ गई? उसके साथ में थी। साथ में चली गई? पीछे पुलिस वाले भी फायरिंग की उसने? हाँ, आमने सामने फायरिंग हुई मेरे, तो फिर बाद में पुलिस वाले उधर से घेरा करके, फिर बाद में पब्लिक ने पकड़ी पुलिस वाले को। नहीं पकड़ा। पाली से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।